आपको 2 महीना पहले ही TTD तिरुपति आदमी कंपल्सरी इधर आएगा। अच्छा, जो तिरुपति बालाजी दर्शन आपको यहाँ पे सामने देख रहे होंगे APSRTC का तिरुपति से तिरुमला 65 रुपीज एडल्ट के लिए। एक साइड से दिखाएगा पापनाशम, आकाशगंगा, वेणुगोपाल सब मंदिर, 3 मंदिर दिखा के। केले के पत्ते भी जो खिलाते हैं ना, ये बहुत बढ़िया लगता है, शुद्ध खाना। तो आपको मतलब एक आदमी का खर्च होने वाला है। नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हूँ फिलहाल तिरुपति, और तिरुपति शहर जाना जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल के लिए। जी हाँ, लोग तिरुपति आते ही हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। और यह टेम्पल कह सकते हैं तिरुपति से अप्रोक्स 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो तिरुमला पहाड़ है वहाँ पे स्थित है। ये तिरुमला पहाड़ आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भगवान विष्णु को तिरुपति बालाजी के रूप में पूजा जाता है, वेंकटेश्वर बालाजी और श्रीनिवास के रूप में भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो, इससे कुछ आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप तिरुपति बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी में यहाँ कुछ अलग है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन पास बनवाना होगा। पास नहीं है, सोचेंगे कि हम चलिए तिरुपति जाके वहाँ पे ऑफलाइन पास बनवा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो गलती मैंने की है वो गलती कृपया करके वो गलती आप ना करें, और मैंने क्या गलती की है वो चलिए मैं आगे आपको आगे बताऊंगा। कहाँ ठहरे, कहाँ खाएं और कैसे तिरुपति से तिरुमला पहाड़ जाएं, बहुत कुछ डिटेल से बात करेंगे इस ब्लॉग में। फिलहाल मैं जहाँ ठहरा हूँ इस रूम का आपको छोटा सा टूर करवा देता हूँ। ठहरा हूँ होटल श्री वेंकट वैभव में, और कुछ इस तरह का रूम है, बेड है। कल मैं आया था, थोड़ा सा आपको अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, और जहाँ तक बेडशीट भी एकदम नीट एंड क्लीन था, पिलो कवर भी नीट एंड क्लीन था। बाकी आपको यहाँ पे एक सोफ़ा मिल जाएगा, बेड के बगल में एक पावर प्लग दिया हुआ है, एक पावर प्लग यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए हैंगर दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई ऐसा वार्डरोब नहीं है। बाकी यहाँ खाने पीने के लिए टेबल दिया हुआ है, और बाकी टीवी का रिमोट है, और यहाँ पे एक टीवी दिया हुआ है, और सामने एक मिरर है। कुछ इस तरह का है इनका वॉशरूम, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, और यहाँ पे एक बकेट मग, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिलेगा आपको। बाकी यहाँ पे शावर नहीं है। बाहर का नज़ारा अगर आप देखना चाहते तो ये देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलने वाला है। ये देखो भाई, सामने देख रहे हैं टेम्पल है, टेम्पल के पीछे आपको तिरुमला माउंटेन दिख रहा होगा। स्टेशन जैसे तिरुपति स्टेशन बाहर निकलते हैं तो ये सामने स्टेट रोड आगे चला गया है, एक लेफ्ट की ओर गया है, एक राइट की ओर जो मेरी तरफ आया है। तो बस वॉकिंग डिस्टेंस पे 50 कदम की दूरी पे है ये होटल। तिरुपति बालाजी दर्शन का प्लान कर रहे तो सबसे पहला काम आपको 2 महीना पहले ही TTD तिरुपति तिरुमला देवस्थानम एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको 2 महीना पहले ही पास बनवा लीजिए। अगर आप चाहते तिरुमला में स्टे करना तो वहाँ पे होटल भी है। आपको TTD के वेबसाइट पे www.tirumala.org पे आप रूम भी बुक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पास बन गया, अगर रूम बुक भी नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तिरुपति में आपको बहुत सारे होटल्स हैं। जैसे मैं ठहरा हुई इस होटल में, बहुत सारे लोग होटल में स्टे करते हैं और यहाँ से जाते हैं दर्शन के लिए। चलिए फिलहाल तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास इस तरह का मार्केट है, और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं एक छोटा सा टूर करवा दो। बाकी दिखाता हूँ यहाँ पे होटलों का भरमार है। कैसे सुबह के समय लगी है भूख, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या अवेलेबल है ब्रेकफास्ट में तिरुपति स्टेशन के पास। ये मैं यही कह रहा हूँ, और वो मुझे रूम पड़ा है 600 का। ठीक सामने देख रहे हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन, विशाल वसंता भवन। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है देखते हैं। और अन्ना क्या हाल है अभी? प्रेजेंट पूरी है, डोसा। और हाँ बताना भूलिए, अगर सुबह सुबह आप आते हैं ना यहाँ पे अप्रॉक्स 10-11 बजे, तो यहाँ पे डोसा तो मिल ही रहा था, पूरी सब्जी और साथ में पोंगल भी मिल जाएगा। मैं देखा था बहुत सारे लोग सामने टेबल पे पोंगल इंजॉय कर रहे हैं। ये पुदीने की चटनी है, ये टोमेटो की, और ये आ गया सांभर। और देख सकते हो कैसा है, खुशबू अच्छी आ रही है। बाकी मूंगफली की चटनी। चलिए भाई शुरू करते हैं। आलू मसाला जो अंदर स्टफिंग है ना डोसे के अंदर, उसका भी टेस्ट चाहिए।
चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेकफास्ट हो चुका है, बाकी वो मसाला डोसा पड़ा था मुझे 60 का। और बाकी मेरे सामने जो तिरुपति रेलवे स्टेशन है ना, सामने जो तिरुपति रेलवे स्टेशन से आप स्ट्रेट ऐसे बढ़ेंगे ना, तो इस तरह का कुछ मार्केट है। यहाँ पे एक टेम्पल भी देख रहे हैं, तिरुपति रेलवे स्टेशन से कह सकते हैं 500 मीटर के डिस्टेंस पे है यह टेम्पल। और टेम्पल के दोनों साइड में देखिए इस तरह का मार्केट है। राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण बलराम, बालाजी गोविंद राज स्वामी, गोविंद राज स्वामी जी का टेम्पल है। एक आदमी कंपल्सरी इधर आएगा। अच्छा, जो तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएगा वो यहाँ पे जरूर आएगा, यहाँ पे दर्शन करके जाएगा। अच्छा, ये इनके बड़े भाई के रूप में यहाँ पे पूजा होता है इनका, जो भी तिरुपति बालाजी दर्शन करके उतरते हैं तो यहाँ पे मंदिर में जरूर दर्शन करते हैं। जब तारापीठ वेस्ट बंगाल तारापीठ जाएंगे ना, वहाँ भी इस तरह से पूरा चारों तरफ को होटल ही होटल मिलेगा, होटल एंड रेस्टोरेंट। तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, और बाई रोड। जी यहाँ का जो नेशनल हाईवे है बहुत सारे मेजर सिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बात जहाँ तक ट्रेन की बात करें तो आप तिरुपति उतर सकते हैं, अदरवाइज रेणुगुंटा जो यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैक्स इंडिया के मेजर सिटी से वो रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है, तो आप रेणुगुंटा उतर के भी जा सकते हैं। और ये है तिरुपति रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट। आप जैसे ही आते हैं, अगर रेलवे स्टेशन उतरते ही आपको यहाँ पे सामने देख रहे होंगे APSRTC का बस टिकट बुकिंग काउंटर, जहाँ पे यहाँ भी देखिए फेयर लगा हुआ है। और फेयर देखिए बस एडल्ट के लिए 65 और बच्चों के लिए 40, तो यहाँ पे आप टिकट बुक करवा सकते हैं बस के लिए। चलिए, और ये बसें कहाँ से खुलेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बस से नहीं जाना चाहते, टैक्सी बुक करना चाहते तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, और क्या उसका फेयर पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ के कुछ टैक्सी वालों से बात करते हैं, फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कितना घुमाओ। एक दो किलोमीटर भी घुमाओ, चारों तरफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं चार्ज लिखा हुआ है, तिरुपति से तिरुमला 65 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 40 रुपीज़ चार्ज। और तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आपको यहाँ पे बहुत सारी बसें लाइन से खड़ी मिल जाएंगी। आप यहाँ देख रहे हैं जितनी भी गाड़ी है जो लगी हुई लाइन से, तिरुपति से जैसे हमारे अन्ना बोल रहे हैं 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये बसें लेते 65 पर पर्सन, 65 वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ से बस स्टैंड से आपको 1 किलोमीटर पड़ता है टेम्पल, है ना। और आप लोग कितना लेते हैं? हाँ 100 रुपीज़ टिकट सर्विस, 2-3 आदमी होते हैं, एक आदमी का 100 रुपया लेते हैं। अच्छा। एक ही बैच 9 आदमी आए तो 800 रुपया लेते हैं छोड़ने का, खाली छोड़ सीधा मंदिर तक छोड़ने का। हाँ। अच्छा, अगर हम रिजर्व करके जाएंगे 2-3 अगर हम आपके साथ, नहीं तो अप एंड डाउन चाहिए। और ऊपर एक साइड से दिखाएगा पापनाशम, आकाशगंगा, वेणुगोपाल सब मंदिर, 3 मंदिर दिखा के बालाजी दर्शन करा के लगा के वापस इधर ही छोड़ेगा, 2,500 रुपया लगेगा। अच्छा, 5 आवर्स वेटिंग करेगा। अच्छा, साइट सीइंग भी आपको ये करवाएंगे 2,500 में, टैक्सी आप रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू अन्ना। एक आइडिया हो गया होगा, अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो किस तरह से आप तिरुपति बालाजी जो तिरुमला के पर्वत पे है जा सकते हैं और क्या खर्च आएगा। नॉर्मली रेलवे स्टेशन के अगल बगल में खाना उतना टेस्टी नहीं रहता है, हाइजीनिक खाना नहीं रहता है, और टेस्टी भी नहीं रहता है, और कॉस्टली रहता है। बट ऐसा तिरुपति में नहीं है। तो देख रहे हैं होटल महाती, प्योर वेज खाना है यहाँ पे, मैंने ट्राई किया था, इसलिए मैं आपको चल के यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ खाने में क्या क्या मिलता है। इनकी जो साफ़ सफाई है ना, साफ़ सफाई अच्छी रहती है। बाकी ये देखो यहाँ पे मैंने कल लंच किया था। फिलहाल चलते हैं और देखिए, फिलहाल मुझे तो मैंने तो मेनू कल देख ही लिया था, फिर आपको भी दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन में दाल फ्राई, दाल तड़का, राजस्थानी थाली मिल जाएगा लिमिटेड 100 में, और अनलिमिटेड 120, मतलब 120 में भरपेट खाइए। राजस्थानी थाली,
एक फुलका रहेगा, एक कप दाल तड़का, एक कप सेब भाजी, एक कप बैंगन मसाला, एक कप आलू सब्जी, इस तरह का आपको मिल जाएगा। और यहाँ महाराष्ट्रन थाली भी है। बाकी मैं तो भाई साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडियन मील ट्राई करेंगे। तो मैं सबसे ना प्लेट मील 75, फुल मील 90, एक्स्ट्रा राइस लेते हैं तो 40, एक्स्ट्रा कर्ड लेते हैं 10, पार्सल मील अगर यहाँ से पार्सल ले जाते हैं तो 100। तो मैं फिलहाल सबसे इनका ना प्लेट मील जो 75 का है वो मंगाते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई साहब ये आ चुका है अपना मील, बाकी देखिए क्या क्या है। आम का अचार है, ये क्या है? दाल। तो दाल का पाउडर है, चिली पाउडर, चिली चिली पाउडर, चिली। कि आपके थाली में क्या क्या मिलता है ये देख रहे हैं। ये आलू आलू कुछ आलू फ्राई है, कद्दू का सब्जी है और ये चटनी। साउथ इंडिया में ऐसा बकेट हर टेबल पे मिलेगा आपको। इसमें सांभर है, इसमें दाल है, रसम, बाकी ये राइस आ चुका है। साथ में दही भी मिलता है। केले के पत्ते भी तो खिलाते हैं ना, ये बहुत बढ़िया लगता है, शुद्ध खाना। बस 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 ठीक है, थैंक यू थैंक यू। पहले दाल के साथ ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट। बहुत ही लाजवाब। यहाँ की दाल में हल्का सा खट्टापन रहेगा, इमली यूज़ करते हैं, कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं। और कड़ी पत्ता तो भाई हर चीज़ में आपको कड़ी पत्ता मिलेगा, चाहे सब्जी हो, सांभर हो, चटनी हो। दाल तो बहुत बढ़िया है। बाकी ये बैंगन फ्राई है, बैंगन है ना, बैंगन को भुजिया की तरह फ्राई किया हुआ। ताकि ये कद्दू की सब्जी, आपको साथ में पापड़ भी मिलता है, हल्का सा यहाँ पे स्वीट्स में को हलवा, सांभर देख सकते हैं, कलर देखिए भाई, क्वालिटी में लोग कोई समझौता नहीं करते हैं खाने में, जो भी मज़ा आ गया भाई खाने में। तो भाई साहब लंच हो गया फिनिश, बाकी आप देख रहे हैं इतना राइस था ना, इतना राइस खाने के बाद इतना राइस बच गया, समझ सकते हैं राइस की क्वांटिटी भी बहुत देते हैं यार ये लोग। अनलिमिटेड दाल है, अनलिमिटेड सांभर है, खाना बहुत टेस्टी अम्मा। और यहाँ पे जितने भी यहाँ स्टाफ है ना, सभी लोग लेडीज़ हैं यहाँ पे, ये चीज़ देख रहा हूँ, सभी टोटल स्टाफ जो है यहाँ पे जो खाना बनाने वाले हैं जो भी हैं यहाँ पे, ज़्यादातर स्टाफ लेडीज़ हैं। बिल हुआ 95 और जिसमें मैंने एक 75 का ये हो गया और एक पानी की बॉटल ली थी। क्वालिटी फूड मात्र 75 रुपये में, वो भी रेलवे स्टेशन के पास, ठीक तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है इनका ये होटल, होटल माहती। बस वो कॉफ़ी पिया है यहाँ का, कॉफ़ी बहुत टेस्टी रहता है। अपना कॉफ़ी कॉफ़ी को फिनिश करते हैं फिर चलते हैं अपने होटल पे। कड़क है। हाँ बाकी ज़्यादा खर्चे की बात करें, 500 रुपये में आपको डबल बेड स्टार्ट हो जाता है और आपका जो बजट है आप अपने बजट के हिसाब से 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हर तरह का रूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 24 आवर्स के लिए मेरे को रूम पड़ा 600। खाने पीने की बात करें तो 200 रुपये सफिशेंट है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तिरुपति से तिरुमला जो पहाड़ है जहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे अगर बस से जाते हैं तो 65 रुपये जाने का, 65 रुपये आने का, 130। तो 600, 200, 800 हो गए और 130, 930 यानी, और 70 रुपये फिर और जोड़ लीजिए फिर तो पड़ जाता है 1000। तो आपको मतलब एक आदमी का खर्च होने वाला है 1000। मैं वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई दिल्ली से आएगा, कोई कोलकाता से आएगा, कोई गुवाहाटी से आएगा, कोई पटना से आएगा, कोई लखनऊ से आएगा, तो भाई वो चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो आप उस पर ऐड कर लीजिएगा। मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, कोई नहीं। हाँ लेकिन हाँ एक चीज़ और, अगर आप ये सोचते हैं कि ऑफलाइन पास मिल जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है और ना कोई जुगाड़ लगने वाला है, जैसे मैं सोच के आया था, तो ये गलती आप ना कीजिएगा। बाकी चलिए, होप आपने छोटा सा ब्लॉग इंजॉय किया होगा, जल्दी मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।